आज जब कोरोना का अंधेरा घना है, कुछ सूझ नहीं रहा है कि मानवता की दिशा क्या होगी, तो ऐसे में हम आपको पट्टू चाचा की कहानी सुनाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पट्टू चाचा कौन है, थोड़ा ठहरिए, ये भी बताएंगे, तफसील से सारा किस्सा सुनाएंगे। कहने को तो ये पट्टू चाचा एक अलग शख्स हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप जानेंगे कि ये पट्टू चाचा कहीं ना कहीं हमारे और आपके अंदर भी बैठे हैं, जिन्हें जगाना आजकल हम भूल सा गए हैं। इतिहास में हजारों त्रासदियां आई, क्या आप जानते हैं कि सबसे बड़ी त्रासदियों पर इंसान ने कैसे जीत हासिल की? इंसान ने उन त्रासदियों को प्रेम और सेवा भाव से जीता। इसी प्रेम और सेवा भाव का नाम है पट्टू चाचा और इन जैसे करोड़ों इंसान। पर आज कहानी केवल पट्टू चाचा की। वैसे तो पट्टू चाचा यूपी के जिला बस्ती में रहते हैं, लेकिन आप जरा तसल्ली से अपने आसपास देखेंगे तो आपको भी ऐसे पट्टू चाचा नजर आएंगे। ये पट्टू चाचा वो हैं जिनकी अन्नपूर्णा रसोई का खाना नहीं खत्म हुआ। हाँ, कोरोना लॉकडाउन की मियाद जरूर पूरी होती नजर आ रही है। पट्टू चाचा इस अन्नपूर्णा रसोई के संयोजक हैं। कहते हैं कि समाज से आता है और समाज को जाता है। बबुआ, ये रसोई किसी एक आदमी से थोड़ी ना चलती है, सेवा का काम है, समाज देता है और हम उसे जरूरतमंदों तक पहुंचा देते हैं। बस्ती से होकर श्रमिक ट्रेनें गुजरी, पट्टू चाचा की टीम राशन पानी लेकर खड़ी रही। बस्ती में किसी भूखे पेट ने आवाज दी, पट्टू चाचा की टीम खाना लेकर दौड़ी। बस स्टेशन हो या रेलवे स्टेशन या हाईवे से गुजरता मजदूरों का जत्था, पट्टू चाचा और उनकी टीम सेवा के लिए हर जगह मौजूद रही। अन्नपूर्णा रसोई को कोरोना लॉकडाउन में मानो पंख लग गए। ये पंख थे प्रेम के, सद्भाव के, सेवा के, कर्तव्य के, समाज से लेने और समाज को देने की भावना के। ऐसे ही तो जीत मिलनी है कोरोना पर। मानवता को कबीर ने समझा और आने वाली पीढ़ी के नाम मंत्र का एक जंतर थमा गए। वो मंत्र था, साई इतना दीजिए, चामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। ये कबीर की वाणी थी और मानवता ने इस वाणी को सहेजा, क्योंकि इसी वाणी में छिपा है हर त्रासदी पर मानवता की जीत का राज। बस्ती शहर के रहने वाले पट्टू चाचा उर्फ राघवेंद्र मिश्रा और उनकी टीम ने इस वाणी को मानो घोट कर पी लिया। बरस बीते, मौसम बीते, पर अन्नपूर्णा रसोई जारी है। अब कोरोना त्रासदी के बीच ये हर भूखे को भोजन करा रहे हैं और खुद के ऊपर चढ़े मानवता के कर्ज को उतार रहे हैं। जरा नजर घुमाइए अपने आसपास, देखिए पट्टू चाचा नजर आएंगे। जाइए उनके पास, धीरे से उनसे कहिए शुक्रिया और मदद में बटाइए हाथ। ऐसे ही जीतेगी मानवता और हारेगा कोरोना।